सो गाइस, ये हम थोड़ी सी आगे देख रहे थे, यहाँ हमें लगा कि ये कोई पार्क वगैरह होगा, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आए देखने के लिए। लेकिन फिर हमने भैया से पूछा तो इन्होंने हमें बताया कि ये मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है और यहाँ पे योगा आश्रम खुलने वाला है, वेलनेस सेंटर, योगा वेलनेस सेंटर। मतलब आप लोग मस्त यहाँ आके इन पहाड़ों में, इन वादियों में मस्त योगा कर सकते हो आप। अभी हम नीचे जा ही रहे हैं, गाड़ी शाड़ी लेके जा सकते हो आप नीचे, व्हीकल पार्किंग है, इलेक्ट्रिक सर्विस भी होगी, सब कुछ। देखते हैं नीचे जाके अब क्या है क्या। आ गया हमारी गाड़ी लेके, अब इस पे सवार होके हम लोग जाएंगे नीचे। मेरे को भी ले जाओ, मेरे को भी ले जाओ। मेरी भैया कितने पैसे लगेंगे? सर्विस स्टेशन में चार्ज होने जा रही है, इनको बताया आपने? हमारी इलेक्ट्रिक है। नहीं, हमारी इलेक्ट्रिक नहीं है, हमारी पेट्रोल है। मुझे लेके जाओगे? आ जाओ। इसको उतारो। आपने यहाँ पे क्या खुलने वाला? बाबा राम जी जी इनको लेने वाले हैं और यहाँ पे खुलेगा हमारा योग सेंटर। जम्मू में भी होगा अपना, हरिद्वार की तरह योग सेंटर, वो भी पहाड़ों के बीच में। दिखाओ पहाड़ पीछे। दिखा दिए मैंने, बस पहाड़ों के बीच में योग सेंटर। और हम फिर हम सब यहाँ आएंगे। योगा सर्विस भी है यहाँ पे। और ये है, अभी इन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पे जो बनाया हुआ ये है सोलर सेंटर फॉर योगा, जैसे कि डाइनिंग सेंटर कुछ बना रहे हैं, बहुत ही शानदार। वो देखो योगा एंड वेलनेस सेंटर, वो लिखा हुआ है सामने, दिख रहा है बोर्ड पे आपको। और यही है हमारा योगा एंड वेलनेस सेंटर, अभी 3-4 महीने से ओपन होने वाला, आने वाले हैं बाबा जी। और वो देखो वहाँ चल रहा है दंगल, लड़कों का तैयारी कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार आमिर खान आम ही बनेंगे। स्पा एंड आयुर्वेदिक हट्स है यहाँ पे, ग्रीन पार्क है, चिल्ड्रन पार्क है। वो गाड़ियाँ दिखाओ, वो देखो इलेक्ट्रिक कार्स लगी हुई है। सिक्योरिटी वाले भैया खड़े हैं, क्या बोलेंगे? देखो अब हम इधर पहुँचे हैं तो अभी हमें क्या मिल चुका है, ये देखो। हेलो बेटा, इनके पापा फॉरेस्ट में है ना, इसलिए ये लोग चंबे हैं। मैंने तो कुछ नहीं लाया। अब आपको क्लियर दिखाते हैं, ये देखो, ये देखो क्लियर दिखेगा आपको। बता तुझे ही, तू क्या गाता है? हाँ, तू क्या गाता है? वो देखो, वो है उसके सिंह। आपका नाम क्या है? ये मम्मी है। मम्मा आपका नाम क्या है? तो योगा पार्क में आके आंटी का जोश आ गया। आंटी क्यों या? और आंटी लगे हैं अभी झूले लेने। ये देखो फुल स्विंग झूठे। आंटी ने थले चली आ रहे, मुझे बड़ा मजा आता था ये झूले लेने का। हैं कह रहे हैं अगर मेरी वाइफ ले सकती है झूले तो मैं क्यों नहीं लूं। हैं वो भी आ गए, अपने घोड़े के ऊपर बैठ चुकी है अभी। कैसा मजा आ रहा है अंकल फिर घोड़े के ऊपर? कह रहे हैं मेरी शादी हुए तो काफी साल हो गए, घोड़े पे चढ़ने का कोई वो है नहीं है। रील बनाओ, रील में डालेंगे। अभी हम वापसी के लिए निकल चुके हैं मानतलाई से सुकमा देव, और ये मेस्मराइजिंग व्यू आप देख सकते हो ऐसे, मतलब इतनी मस्त पहाड़ियाँ बनी हुई हैं। पैराग्लाइड पैरामिड्स की तरह है ना। जो नहीं आगे पैरामिड्स इजिप्ट में मिलेंगे, हमारे मानतलाई में भी पैरामिड्स हैं। देखो चेक करो,